Good morning students, welcome to online classes conducted by Satyajit School and College. इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड की हिंदी पार्ट दो पढ़ेंगे. पार्ट का नाम है सारा की अनोखी यात्रा. पहले हम पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट के माध्यम से समझेंगे कि एक छोटा सा मेंढक कैसे सीखता है चीज़ों को. अभी वो बहुत छोटा है, अभी उसे किसी चीज़ की जानकारी नहीं है. वो सबसे पूछता है कैसी चीज़ें होती हैं, कैसे घटती हैं, कौन कूदता है, कौन उछलता है, उसे कुछ जानकारी नहीं है. तो इस पाठ के माध्यम से हम देखेंगे कि छोटे बच्चों में कैसे सीखने की जिज्ञासा होती है, उनको उनकी जिज्ञासा को पूरा कर सही कर बनाने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए चीज़ों को समझाने की कोशिश करना चाहिए, तभी बच्चे समझ पाते हैं. देखिए हम पाठ पढ़ते हैं. माँ देखो हंस उड़ने वाला है, क्या मैं उड़ सकती हूँ, एक छोटे से मेंढक ने अपनी माँ से पूछा. तो माँ ने बोला नहीं सारा, हम मेंढक हैं. मेंढक की माँ ने बोला नहीं सारा. इससे पता चलता है कि उस मेंढक का नाम सारा है. मेंढक उड़ नहीं सकते पर तुम लंबी कूद लगा सकती हो. मेंढक कूदते हैं, वो उड़ नहीं सकते हैं. मेंढक सारा की माँ बोलती है इधर आओ मैं तुम्हें लंबी कूद लगाना सिखाऊं. उसकी माँ उसे सिखाती है कि कैसे कूद लगाई जाती है. इस तरह उचक कर जमीन से पत्ते तक लंबी छलांग लगाओ. अब पैरों को पत्ते पर जमा लो और एक लंबी छलांग लगाकर वापस जमीन पर आ जाओ. अरे ऐसे मैं तो कूद सकती हूँ, सारा ने बोला. मैंने कूदना सीख लिया माँ. माँ कहाँ गई? अब वो कूद करके दूसरी जगह पर पहुंच गई है और अपनी माँ को ढूंढ रही है. केकड़े भाई क्या आपने मेरी माँ को देखा? केकड़े ने बोला नहीं, पर तुम चाहो तो मेरे साथ थोड़ी देर खेल सकती हो. फिर सारा ने बोला नहीं केकड़े भाई, मुझे माँ के पास जाना है. फिर क्षमा करें दादू, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? वह आगे छलांग लगा के दूसरी जगह पहुँचती है और फिर वो दादू को देखती है और उससे पूछती है कि क्या आपने मेरी माँ को देखा है? तो वह बोलता है नहीं. क्या तुम्हारा नाम सारा है? हाँ हाँ मैं सारा ही हूँ, सारा ने जवाब दिया. तुम्हारी माँ तुम्हें सब जगह ढूंढ रही है सारा. सुनो आगे नदी के किनारे कुछ दूरी पर तुम्हारी माँ तुम्हें मिल जाएगी. फिर वहाँ से आगे वो छलांग लगाती है. फिर आगे उसे एक मछली मिलती है. फिर वह पूछती है मछली से क्या तुम मेरी माँ को देखी हो? मछली ने जवाब दिया नहीं. तुम चाहो तो मेरी पीठ पर बैठ कर वहाँ तक जा सकती हो. तब सारा ने जवाब दिया धन्यवाद दीदी. सारा कहाँ चली गई थी? माँ मैं एक मज़ेदार और अनोखे सफ़र पर गई थी. माँ क्या मैं कल फिर जा सकती हूँ आसपास की रंगीन दुनिया देखने के लिए? हाँ सब साथ चलेंगे, उसकी माँ ने बोला. इसके बाद हम देखते हैं इसके शब्दार्थ. छलांग लगाना, छलांग लगाना मतलब कूदना. जैसे सारा एक जगह से दूसरी जगह पर छलांग लगा रही. अनोखे, अनोखा मतलब जिसे पहले कभी देखा ना गया हो. सफर, सफर मतलब यात्रा. क्षमा, क्षमा मतलब माफी. मजेदार, मजेदार का मतलब होता है रोचक. और दुनिया, दुनिया मतलब संसार. जमीन, जमीन मतलब धरती. इस शब्दार्थ को आपको याद कर लेना है और कॉपी पर साफ सुथरा लिखना भी है. आगे प्रश्न उत्तर देखते हैं. मेंढक के बच्चे का क्या नाम था? तो आप भी अब तक समझ गए होंगे कि उस छोटे से मेंढक के बच्चे का क्या नाम था. मेंढक के बच्चे का नाम था सारा. मेंढक लंबी छलांग कैसे लगाते हैं? मेंढक उचक कर लंबी छलांग लगाते हैं. किसने सारा को अपनी पीठ पर बैठाने की बात कही थी? मछली दीदी ने. मछली दीदी ने सारा को अपनी पीठ पर बैठाने की बात कही. माँ सारा को क्या सिखा रही थी? माँ सारा को लंबी कूद लगाना सिखा रही थी. सारा घबराई हुई किसे ढूंढ रही थी? सारा अपनी
माँ को ढूंढ रही थी। सारा कैसे सफर पर गई? सारा एक अनोखे और मजेदार सफर पर गई। प्रश्न उत्तर को भी आपको याद कर लेना है और साफ साफ लिख लेना है। धन्यवाद।